आप उम्र की सआदत हासिल करना चाहते हैं या दुनिया भर में इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट कंट्रीज या यूरोप की तरफ किसी भी पर्पस से अपना विजिट या अपना टूर प्लान कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिरा सामा फ्राम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप ऑफ द कंपनीज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा जितने भी पाकिस्तान में मौजूद रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप टू द मार्क हैं और ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डिटेल्स एंड अपडेट्स जो हैं वो ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी फ्रेम वर्क के अंदर आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ डिटेल्ड अपडेट्स शेयर करूँगी, वो टॉपिक पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए जो है वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि मोहब्बत और रूहानियत का बाइस है। हमारे टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हमारी डे एंड नाइट की जो एफ़र्ट्स हैं वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो वर्ल्ड वाइड हमारे साथ मुंसलिक हैं वो हम पर एक बेहतरीन भरोसा रखते हैं। और आप लोगों के हमारे स्टीम क्लाइंट के भरोसे के तहत ही हमने अपनी जो रिसर्च है या जो मार्केटिंग है या जो हमारी मेहनत का दायरा कार है उसको हमने वसी किया है और हमने अपनी जो डायरेक्शन है वो बढ़ाई है पाकिस्तान के सिटीज़ और उनकी सोसाइटीज़ से बाहर की तरफ निकल के। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में कहा कि आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ कुछ करंट अपडेट्स शेयर करूँगी उसका हमारे दीन से और हमारी मुस्लिम उम्मा की जो मोहब्बत है टुवर्ड दीन उससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो जी हाँ, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मक्का और मदीना में के बारे में बात करेंगे और उम्रे के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली पूरी दुनिया से तो मुख्तलिफ कंट्री से लोग अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उम्रे की अदायगी के लिए तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आज के दिन में और आज के बाद आने वाले दिनों में या नॉर्मली जितने भी दिन हैं जिनमें हमारे जो नाज़रीन हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो उम्रे की सआदत हासिल करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएँ, ताकि जो न्यू हैं या जो हमारे न्यू क्लाइंट्स हैं जो कि अब उम्रा पहली दफ़ा करने जा रहे होंगे तो उनको कुछ बेसिक अपडेट्स इसकी प्रोवाइड कर दी जाएँ, ताकि आने वाले वक्त में उनके लिए टाइटेनियम ग्रुप मजीद आसानी पैदा करें। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि पाकिस्तान से जो उम्रे के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं या मैं डिस्कस करूं हमारे वीज़ा पैकेजेस के बारे में, तो सबसे पहले अगर मैं ये बताऊं कि जो हमारी वीज़ा फ़ीस दरकार होती है वो सफ़र के महीने में और आज के दिनों में या आने वाले वक्त में इस वक्त जो स्टेबल करी है वो तकरीबन 57,000 से 58,000 रुपीस के अंदर आपकी वीज़ा फ़ीस जो है वो चार्ज की जाती है। इसके बाद अगर मैं ज़िक्र करूं कि कितनी एयरलाइंस पाकिस्तान से टुवर्ड्स मक्का मदीना जा रही हैं, मक्का की तरफ जा रही हैं और उनके फेयर्स क्या हैं, तो इस मेरी वीडियो के अंदर आपको एक डिटेल पैकेज मिलेगा जिसमें इंक्लूड होंगी हमारी एयरलाइंस, उनके आजकल के दिनों के फेयर्स, और उसके बाद फिर हम आपको गाइड करेंगे टूवर्ड्स लाइक फ्रॉम द एयरपोर्ट टूवर्ड्स योर रेजिडेंस के कहाँ पे आप हरम शरीफ के पास जो हैं वो नियरेस्ट या आप कह सकते हैं कि 0 मीटर से 1.5 या 2 किलोमीटर्स के प्रेमिसेस के अंदर आप एक बेहतरीन रिहाइश ले सकते हैं कि जिससे आपको अपनी तमाम जो इबादात हैं उनको अदा करने में और जो मामलात हैं उनको देखने में आसानी हो। अगर मैं ज़िक्र करूँ फ़्लाइट्स का, तो पाकिस्तान से 4 एयरलाइंस जो हैं वो सक्सेसफुली फ़्लाई करती हैं टुवर्ड्स मक्का, जिसमें आप ये कह लीजिए कि सबसे पहले सऊदी एयरलाइन है, फिर हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जिसे PIA कहा जाता है, फिर हमारे पास एयर ब्लू है और सरीन। ये 4 फ़्लाइट्स हैं जो जद्दा में लैंड करती हैं बेसिकली। और इनके अगर मैं आजकल के फेयर्स के बारे में बताऊँ, तो पहले मैं फेयर्स बताने से पहले एक चीज़ ये ऐडअप करना चाहूँगी कि माह सफ़र जो इस वक्त चल रहा है हमारा एक मुकद्दस महीना, इसके अंदर जो थोड़े से पैकेजेस हैं या जो इसके अंदर जो थोड़े से फेयर्स हैं हमारे एरोप्लेन के जो फ़्लाइट्स के हमारे फेयर्स हैं उसमें कुछ थोड़ा सा इंक्रीज़ आया इंक्रीमेंट आया होता है तकरीबन 10 to 15,000 के करीब जो है ना वो पर फ्लाइट ज़्यादा चार्ज करी होती है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में यही प्राइसेस 10 से 12 से 15,000 रुपये मिनिमाइज़ भी कर जाती हैं। हमारे वो नाज़रीन जो पहली दफ़ा उम्रा करने जा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि उनके लिए हमारी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। तो अगर सऊदी एयरलाइन से आप ट्रैवल करना चाहेंगे तो सऊदी एयरलाइन का आज का जो टिकट है टुवर्ड्स मक्का जब जिद्दा में लैंड करते हैं बेसिकली, ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हम पाकिस्तानी इसकी जो फ़्लाइट है पाकिस्तान से वो बेसिकली जिद्दा में ही लैंड करती है, तो वहाँ तक जो सऊदी एयरलाइन आपको एयर फेयर दे रही है वो राउंड ट्रिप का 125 लाइक 1,25,000 रुपये
से जो है ना वो आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके अंदर 1,25,000 आपका जो है वो एयर फेयर है, और इसके अलावा जो 57,000 to 58,000 मैंने आपको कहा कि वीज़ा चार्जेस हैं। इसके बाद अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात की जाए तो PIA की फ़्लाइट्स के भी जो फेयर्स हैं वो सऊदी एयरलाइन से तकरीबन मैच रही हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है, तो वो भी तकरीबन 122 यानी कि 1,20,000 to 22,000 के बीच में लाया करता है। एयर ब्लू की तरफ चलते हैं तो एयर ब्लू का जो रेट है इस वक्त वो 1,15,000 to 1,18,000 के प्लस माइनस के अंदर कॉस्ट करता है, और फिर सरीन एयरलाइन आ जाती है जो कि लिमिटेड शहरों से चलती है, और इसके अलावा एक और है फ्लाई दुबई, ये भी लिमिटेड सिटीज़ हैं जैसे कराची है, क्वेटा है, इस तरह की कुछ लिमिटेड सिटीज़ हैं जहाँ से इनकी फ़्लाइट्स हैं हरम पाक की तरफ उमरे के लिए। तो जो सरीन एयरलाइन है वो तकरीबन 1,05,000 to 1,08,000 के करीब चार्ज करती है, और तकरीबन ऐसे ही फ़्लाई दुबई भी हमारे साथ चार्ज कर रही होती है। अब ये तो था फ़्लाइट का स्केड्यूल या फ़्लाइट के फेयर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि जो है ना आप इसको अवेल कर सकते हैं। बेसिकली मेरी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि जो मिनिमम पैकेज है जिससे हमारे एक जो क्लाइंट आप कह लीजिए या एक व्यूअर हमारे या एक बंदा जो कर सकता है पैकेज को कंप्लीट, वो 2 to 2.25 lakh के बीच में एक्सटेंडेड बजट को जो है ना वो होल्ड करते हुए उम्र की अदायगी कंप्लीट कर सकता है, जिसके अंदर आपको हम जो है ना एक प्रॉपर वहाँ पे 10 to 15 days का स्टे भी अवेलेबल होता है, और उसके अंदर जो है ना वो आपको फ़्लाइट स्केड्यूल के साथ आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है एक एक्सटेंड तक वो भी प्रोवाइड की जाती है। अब अगर हम मूव करते हैं जद्दा की तरफ और जद्दा से आगे होटल या रिजॉर्ट्स की तरफ, तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर कर दूं कि जब जद्दा के ऊपर आप लैंड करते हैं तो जिन्होंने पैकेज थ्रू बस किया होता है, जो ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पैकेज के अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन बस के थ्रू प्रोवाइड की जाए, उसमें ये सिचुएशन होती है कि जब आप जद्दा पर लैंड करते हैं और आपके किसी भी होटल में क्योंकि प्री बुकिंग्स होती हैं वो बुकिंग्स हुई होती हैं, तो वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उन्होंने फ्लिप चार्ट्स पकड़े होते हैं जिस भी होटल से उनका ताल्लुक़ होता है और जहाँ पे आपकी रिजर्वेशन होती है, तो वो आपको थ्रू बस फ्रॉम एयरपोर्ट टू जो है ना वो मक्का आपके होटल तक जो है वो ड्रॉप ऑफ करती है। इसके अलावा सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये है कि आप वहाँ से प्राइवेट कैब कर लीजिए जद्दा से अपनी रिजॉर्ट अपनी रेजिडेंस तक का, तो वो आपको तकरीबन 400 to 500 रियाल के करीब चार्ज करेगी जद्दा एयरपोर्ट से आपके होटल तक, जो कि हरम पाक से करीब है। और इसके अलावा थर्ड एक बड़ी अच्छी ऑप्शन ये है कि अगर ऐसे पाकिस्तानी हजरात जो वहाँ पर इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स जो हजरात हैं वो अगर वहाँ पर जाएं तो वो वहाँ पर रेंट अ कार भी ले सकते हैं, उसे ख़ुद ड्राइव कर सकते हैं, और उसके बाद जिस भी सिटी में उनके पास वो कार है वो उसके जो कंसर्न वहाँ पे आउटलेट बना होगा जो ऑफिस होगा वहाँ पे उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। लाइक जद्दा से अगर आप मक्का जाते हैं और फिर मक्का में कार रखने के बाद आप उसको मक्का से मदीने की तरफ लेकर जाते हैं या कहीं और भी लेकर जाते हैं, तो उस कंसर्न कंपनी जिसकी कार आपने रेंट पर ली होगी वो आप सेम ऑफिस में जाके उस सिटी के वहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये 2 to 3 मोड्स थे आपके ट्रांसपोर्टेशन के आपके जद्दा से टुवर्ड योर डेस्टिनेशन। अब इसी वीडियो के अंदर एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि वहाँ पे जो ज़्यादातर हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि वहाँ पे जी आप हमें एक अच्छी रेजिडेंस बताइए, अच्छे होटल्स बताइए जो कि बजट फ्रेंडली भी हों और उनके डिस्टेंसेस भी कम हो। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर मैंने अपनी वीडियो के अंदर जो रेजिडेंस है उसको 2 categories में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी वो है जो कि हाई बजट है और विद शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि उनके बजट्स बहुत हाई हैं लेकिन वो हरम पाक से हरम शरीफ से बहुत क्लोज़ है, लाइक 0 meter के रेडियस के अंदर आप कह सकते हैं कि जी 0 meter की रेजिडेंस के ऊपर है। और सेकंड कैटेगरी की तरफ अगर हम जाएं तो मैंने थोड़े से लो बजट होटल्स को या रेजिडेंसीज़ को जो है वो प्रेफर किया है लेकिन उनके डिस्टेंसेज जो हैं वो थोड़े से हाई हैं। हरम शरीफ के जो बिल्कुल 0 meter के रेडियस में आते हैं, अगर मैं उन 4 and 5 star होटल्स के बारे में बात करूं तो उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो मक्का टावर है, क्लॉक टावर है, इसके अलावा हिल्टन स्वीट है, फिर कुलमन जमजम है और एलिफेंडा टावर, ये इस टाइप के ये वो 4 to 5 star होटल्स हैं जो बिल्कुल 0 meter के रेडियस के अंदर हरम पाक से आते हैं, और इनके जो रेंट्स हैं पर नाइट वो मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं तो वो 650 Saudi riyal से शुरू होते हैं और वो तकरीबन आपके 1,000, 1,020, 1,030, 1,050 या मैक्सिमम 1,100 Saudi riyal पर नाइट के हिसाब से आपको कॉस्ट करते हैं।
ये वो एक्सपेंसिव होटल्स हैं जो बिल्कुल 0 मीटर के रेडियस के अंदर हमारे हरम पाक से आते हैं। अब इसके बाद मैंने कुछ कैटेगराइज़ किया है डिस्टेंसेस वाइज के 0 मीटर के बाद 200-250 मीटर के ऊपर हमारे पास कौन से होटल्स आते हैं एंड उसके बाद फिर 500-600 मीटर एंड देन 1 किलोमीटर एंड 1.5 किलोमीटर। मैं फर्दर आपको ये बताऊंगी कि जब डिस्टेंस जितना जितना बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली रेंट्स वहाँ पर क्या चार्ज किए जा रहे हैं। तो 0 मीटर से जब हम बाहर निकलते हैं थोड़ा सा 200-250 मीटर के ऊपर जाते हैं या 300 मीटर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास 3-star, 4-star होटल्स मौजूद हैं। ऑल दो रेंट का जो रेशो है वो डाउन हो जाता है इतने डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन अगर इस डिस्टेंस के ऊपर आपके पास अभी भी 4 या 5 star होटल मौजूद है तो उसके जो रेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी ही होंगे। 300-350 मीटर के ऊपर जो होटल की पर नाइट की कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 350 रियाल से शुरू हो रही है और फिर 475-480 रियाल तक जा रही है और उसके बाद मैक्सिमम इसमें एक और हमारे पास 4-star होटल जो यहाँ पे आ रहा है उसकी कॉस्ट तकरीबन 670 या 720-730 रियाल तक भी इसकी कॉस्ट जो है ना वो हमें मिलती है। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं 500-600 मीटर के ऊपर जाते हैं तो जितना फासला बढ़ता जा रहा है उतना ही पर नाइट रेंट जो है वो कम होता जाता है। 500-600 मीटर के ऊपर तकरीबन 200-250 रियाल के ऊपर भी आपको जो है होटल मिल जाएंगे। आपको 120-150 रियाल के अंदर भी वहाँ पर होटल मौजूद हैं, उसको आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके लिए वो सूटेबल है। थोड़ा सा डिस्टेंस भी ज़्यादा है और थोड़ा सा वो क्वालिटी वाइज, बिल्कुल थोड़ा सा क्वालिटी वाइज आप ये कह लीजिए या कंस्ट्रक्शन वाइज जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा हमारे इनिशियल होटल्स की नस्बत पर। इसके अलावा जो रेडियस हमने कवर किया है टाइटेनियम ग्रुप ने वो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर्स तक का कवर किया है। 1 किलोमीटर के बाद भी जो है वो तकरीबन 120-150 रियाल 200 रियाल तक और फिर जब 1.5 किलोमीटर के बाद हम आते हैं तो 120-150 रियाल तक यहाँ पर भी होटल्स हमारे पास ईजीली अवेलेबल हैं जो आप पर नाइट के हिसाब से वहाँ पर जो है वो बुक कर सकते हैं। और 1 से 1.5 किलोमीटर का जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो आपको टूवर्ड्स हरम कवर करना पड़ेगा। अब ये हमने मैक्सिमम टू मिनिमम की बात की थी उन होटल या रेजिडेंसीज की कि जो हरम पाक से मौजूद थी आपके बजट के अकॉर्डिंग, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर के ऊपर भी सिर्फ हमारे पास लो बजट होटल्स नहीं आते, वहाँ पर भी हमारे पास 4-5 star होटल्स एंड रेजिडेंसीज आती हैं जिनके रेंट्स भी तकरीबन 450-700 रियाल तक भी लाया करती हैं। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे उन नाज़रीन के लिए जो पहले भी उम्रा माशाल्लाह कर चुके हैं और आने वाले वक्त में भी वो चाहते हैं कि उम्रे की सआदत को जो है वो ज़रूर हासिल करें। इस ओवरव्यू में यही था कि हमने आपके साथ शेयर किया था हमारे जो एयरलाइंस के स्केड्यूल या फेयर्स हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप जद्दा से टूवर्ड्स मक्का कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मैंने आपके साथ कुछ बेसिक उन होटल्स का जिक्र किया जो कि आप ये कह लीजिए कि पूरा साल ही रनिंग में और बुकिंग में होते हैं। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपके साथ इस इंफॉर्मेशन या इस डिटेल या अपडेट को डिस्कस करने या शेयर करने का मकसद यही था कि हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से रिलेटेड ही हमारे साथ ना कंसर्न रहें बल्कि उनको हम मज़ीद भी इस तरह के जो है ना वो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डिलीवर करते रहें कि जिनसे उनका जो दायराकार है, जो उनकी रिसर्च है वो बढ़े और हमारा एतमाद, हमारे ऊपर जो उनका एतमाद है वो बढ़ता रहे। बाय कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आप अगर उम्रे की सआदत हासिल करना चाहते हैं या उम्रे के अलावा हज की बुकिंग्स आप लेना चाहते हैं और इसके अलावा दुनिया भर में कहीं भी अगर आप टूर्स करना चाहते हैं, टूरिज़्म के कायल हैं और आप टूर्स करना चाहते हैं तो टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से टीम टाइटेनियम आपको पूरी दुनिया में आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए हर वक्त कोशां है। उम्रे के पैकेजेस के लिए पूरे मुल्क में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, ख़ास करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गई या यूरोप की साइड पर आप जाना चाह रहे हैं या इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर से कहीं पर भी आपकी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पर्पस या टूरिज्म के पर्पस से कोई भी क्यूरी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है। आप किसी भी वक्त टीम टाइटेनियम को कॉन्टैक्ट करके अपनी क्यूरीज को फुलफिल कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। दिस इज़ हिरा उसामा साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।